हाय, सोशल शॉट की सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हम कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम चुन के भेजते हैं। 18 साल के जब आप हो जाते हैं या जब आप 18 या उससे ऊपर के हो जाते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार होता है, वी कैन वोट। और वो जो हमारा वोट होता है उससे हम एमपी चुनते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा यानी सांसद जिसे हिंदी में कहते हैं। और ये सांसद जाते हैं सब लोकसभा, ठीक है। इस तरह से ये सिलेक्शन होता है। तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे इलेक्ट किए जाते हैं हमारे द्वारा, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट नहीं करते। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हाथों में कुछ पावर्स होती हैं, तो उनको मौका मिलता है कि वो अलग-अलग जो कुछ स्पेसिफिक जो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनको चुन के वो राज्यसभा में भेजे। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके पास भी कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिनसे कि वो अपना एक या दो मेंबर्स वो राज्यसभा में भेज सके। बेसिकली एक पार्टी कितने मेंबर्स भेज सकती है वो डिपेंड करता है कि वो पार्टी कितनी बड़ी है, ठीक है, उसका कवरेज कितना है, उसके टोटल एमपीज कितने हैं, वो उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के मेंबर्स हम सिलेक्ट करके भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स में हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है, हम उन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सोशल शॉर्ट। टिल देन प्लीज डू टेक केयर, बाय।